हेलो वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। आज के इस वीडियो में खास क्या है, क्या सीखेंगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर एक कंपनी हमारे पास है सूरज तिवारी के नाम से। अब ये मेरा ही नाम है तो इसी नाम से कंपनी मैंने बना ली है। यहाँ पर लास्ट एंट्री आपको शो कर रही होगी, ये 1 अगस्त 2021 को लास्ट एंट्री हुई है। तो अभी हमें एक पर्टिकुलर क्रेडिटर या पर्टिकुलर डेटर पार्टी से रिलेटेड एंट्रीज को देखना है। कैसे देख पाएंगे, कैसे ये संभव होगा, कि कहां जाकर के हम इसको देखेंगे, यही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये काम करना है आपको कि यहां पर गेटवे ऑफ टैली में मौजूद रहते हुए डिस्प्ले दिख रहा है यहाँ पर डिस्प्ले। तो जैसे मान लीजिए जहां पर रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो आर हाईलाइट है। तो अगर आपको रेशियो एनालिसिस देखना है तो आर प्रेस कीजिए, अगर डिस्प्ले में जाना है तो डी प्रेस कीजिए, ठीक है, या यहीं पर रहते हुए एंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल डी प्रेस कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से डी प्रेस कर दिया हमने, अब ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें अकाउंट बुक ओपन करना है। क्या ओपन करना है, अकाउंट बुक। यहां पर हम डिस्प्ले में गए थे, ये देखिए ये डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में जाते ही यहां पे देखिए डिस्प्ले की मेन्यू ओपन हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए स्टेटरी से रिलेटेड ऑप्शन है, एक्सेप्शन रिपोर्ट है, ट्वीट है, लिस्ट ऑफ अकाउंट है। तो अगर आप लिस्ट ऑफ अकाउंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं, तो कितने तरह के अकाउंट है, कौन डेटर पार्टी है, कौन क्रेडिटर पार्टी है, कौन से लेजर क्रेडिटर पार्टी के बने हुए हैं, कौन से लेजर डेटर पार्टी के बने हुए हैं, कौन से लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हैं, रिलेटेड ग्रुप्स के, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी लिस्ट ऑफ लेजर में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट्स बुक। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर लेजर नाम का ऑप्शन मिलेगा, लेजर, ठीक है। तो यहाँ लेजर पर जाकर के एंटर कर देते हैं। अब हमें एक पर्टिकुलर लेजर देखना है, ठीक है, हमें किसका लेजर देखना है। अगर सपोज कीजिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर देखना है, क्रेडिटर पार्टी का लेजर देखना है, तो उसका नाम सिर्फ आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर मिस्टर राम का या ये मनोज क्रेडिटर पार्टी है, इसका लेजर देखना है, तो यहाँ पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी पूरी डिटेल आपको नजर आ जाएगी, कितनी बार इस लेजर का प्रयोग किया गया है। परचेज, देखिए क्रेडिटर पार्टी तो परचेज अकाउंट के लिए ही यूज होता है, तो कितनी बार आपने प्रयोग किया है और किस किस डेट पे प्रयोग किया है वो आपको दिख जाएगी यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर दिख रहा है। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं आप, यहाँ ऑल्ट F2 प्रेस कीजिएगा ना तो डेट चेंज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 1/4/2021 से लेकर 8/4/2021। अब यहाँ पर देखिए तो ये एंट्रीज आपको दिखाई पड़ेंगी, दिख रहा है। अगर पहली वाली एंट्री को हम देखते हैं तो इसमें भी क्रेडिटर पार्टी का चित्र हुआ है जिसका नाम है मनोज क्रेडिटर, ठीक है। बाहर आते हैं, यहाँ पर ये परचेज अकाउंट का लेजर है, ठीक है, तो ये 1/5 का है। तो देखिए 1/5 पे जाते हैं तो यहाँ पर भी मनोज क्रेडिटर पार्टी का लेजर की बात की जा रही है। अगर किसी अन्य क्रेडिटर पार्टी की बात करती है तो अन्य क्रेडिटर पार्टी का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको वापस से मनोज क्रेडिटर का लेजर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर आना है, ठीक। अब मान लीजिए कि हमें किसी और का लेजर देखना है, उसके बारे में डिटेल लेना है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मिस्टर राम का है तो मिस्टर राम में चले जाएंगे, मिस्टर राम से रिलेटेड एक ही हमें रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ से डेट चेंज करते हैं, शायद एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो, तो यहाँ 1/4/2021 से लेकर 1/8/2021 तक का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर राम से रिलेटेड एक ही लेजर है जो आपको दिख रहा है, एंट्री भी सही तरीके से नहीं करी गई है, एंट्री भी गलत तरीके से हुई है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी, ठीक है। ये फायदा है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि यहाँ अकाउंट बुक में जाकर के लिस्ट ऑफ लेजर में जाते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंट बुक में गए और अकाउंट बुक में जाकर के हम यहाँ लेजर्स में जा सकते हैं और लिस्ट ऑफ लेजर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, जितने लेजर्स बने हुए तो जितने लेजर्स बने हुए हैं उन सबकी पूरी डिटेल यहाँ आएगी। जैसे एडिशनल टैक्स का यहाँ हमने एक खाता बनाया, यहाँ प्रतीक डेटर पार्टी का खाता बनाया, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको ये दिख जाएगा कि आपने किस किस तरीके से बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।